गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीके का फेशियल क्लीन अप, जो कि आगे आने वाले जितने भी फेस्टिवल हैं, इन सारे फेस्टिवल में आपके फेस पे ग्लो लेके आएगा। एंड गाइज, ये सारी चीज़ें मैं खुद करने वाली हूँ, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। इसके इंग्रीडियंट आपको किचन में बहुत ईजिली मिल जाएंगे, स्टेप्स सारे बहुत सिंपल हैं। तो गाइज, फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लिनजिंग का। तो इसमें हम अपने फेस की क्लीनिंग करेंगे। तो इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट और सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जो कि है बेसन, जो कि हमें हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाता है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हनी 1 टेबल स्पून। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध, रॉ मिल्क, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने वाले हैं, क्लीन अप करने वाले हैं, क्लिनजिंग करने वाले हैं। तो गाइज, ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है ना, ये हमारे फेस से सारे डर्ट पोल्यूशंस को निकाल के हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। तो आपको क्या करना है, कॉटन पैड, कॉटन बॉल को अच्छे से डिप करना है और अच्छे से आपको अपने फेस पे इसको वाइप कर लेना है, ताकि ये हमारे फेस से सारी इंप्योरिटीज़ को निकाल दे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो गया। तो गाइज, अब आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमें लेना है सेकेंड स्टेप में स्टीम। तो गाइज, इसके लिए आप क्या करो, नॉर्मल वाटर को आप अच्छे से गर्म कर लो, लुकॉम कर लो, मीन्स कि अच्छा सा हॉट कर लो। इसके बाद में आप इसमें क्या करो, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दो। लाइक आपके पास में रेड रोज़ हो तो उसकी पंखुड़ियाँ डालो, उसके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, बट मेरे पास में नहीं था, जो था मैंने वही डाल दिया। ठीक है, एंड इसके बाद में आप अच्छे से स्टीम ले लो। हमारे स्किन की जो डेड स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, लाइक हमारे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल जाती है। ठीक है, तो और हमारे स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सफोलिएशन का, स्क्रबिंग का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है शुगर। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है हमारी स्किन में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का तो क्या ही कहना हमारी स्किन में। एंड यहाँ पर मैंने ले लिया हनी। अब आप इनको अच्छे से मिक्स करो, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से थिक रख सकते हो, रनी रख सकते हो, और अच्छे से आप अपने फेस पे मसाज कर दो। तो कॉफ़ी जो होता है वो हमारी स्किन में चमक लेकर आता है, बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएगा। हनी भी बहुत अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है, और शुगर जो होता है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, लाइक वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और डेड स्किन सेल्स को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज, ये वाला स्टेप आप अच्छे से फॉलो करो। एंड ये जो स्टेप है ये स्क्रबिंग का भी है एंड साथ में फेस पैक का भी है। ठीक है, तो आपको इसको स्क्रब करने के बाद अपने फेस पे रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट, ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आप देखोगे गाइज कि आपकी जो स्किन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आएगी, इमिडिएटली आपको ये चीज़ लगेगी। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करो, अपना स्किन केयर कर लो, लाइक टोनर लगा लो, उसके बाद में कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का कोकोनट क्रीम, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड अच्छे से आप इसको अपने फेस पर मसाज कर लो। तो गाइज, ये वाला फेशियल करने के बाद ना, आपको जब नेक्स्ट डे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा आपको। एंड मेरे कहने पे ये वाला फेशियल आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल रखे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजीली आपको घर पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।